जय गुरु। चलिए आज वन के बारे में श्री ठाकुर केष्टोदा के साथ कुछ बातचीत आलोचना करते हैं। दिनांक 23/9/1957 सवेरे 9 बजे श्री ठाकुर खड़ घर में समासीन है। केष्टोदा, चुनीदा, सुशीलदा, पंडितदा आदि है, बातचीत चल रही है। केष्टोदा पूछ रहे हैं, यह जो स्वतः अनुज्ञा में है, मैं अमानी, फिर प्रत्येक वर्ण का ही एक निजस्व मान है, इन दोनों में सामंजस्य कहाँ है? श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो भी जन्म लेता है उसका एक मान है, आत्म मर्यादा बोध है। यह मर्यादा जब आहत या निहत होता है तभी हम लोग प्रबुद्धमुखी हो उठते हैं। मनुष्य का एग्जिस्टेंस या सत्ता, क्या यदि कोई बोध रहता है वो इस काल में ही हो और पल काल में ही हो, तब तो उसका मान ही है। अमानी माने मैं समझता हूँ, मान का अहंकार नहीं होना, किंतु मैं कायस्थ का लड़का हूँ या मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, यह बोध तो रहेगा ही। केष्टोदा पूछ रहे, यदि किसी में मान रहे हैं मैं वशिष्ठ की संतान हूँ, श्री ठाकुर बोल रहे हैं, किंतु मैं वशिष्ठ की संतान हूँ, इसलिए लोग आकर मेरे पांव पर माथा रगड़े, यह भावना ठीक नहीं है। केष्टोदा पूछ रहे हैं, किंतु वशिष्ठ का रक्त मेरे शरीर में है, इसका एक मान तो है ही। श्री ठाकुर बोल रहे, यह मान तो रहेगा ही। केष्टोदा पूछ रहे, अमानी माने फिर कोई हीन नहीं सोचे? श्री ठाकुर बोले, वो सोच सकता है, सोचने पर ठगाया गया कौन? जय गुरु।